मैच क्रिकेटर शोएब अख्तर इस वक्त मौजूद हैं। शोएब बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। अच्छा शोएब, मैं आपको बताना चाह रही थी, हमारे यहाँ ना हिंदुस्तान में जो स्वच्छता मिशन है, सफाई अभियान, उसका दूसरा चरण हाल ही में शुरू हुआ है, और ऐसे में मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया जो है उसने उसे बहुत सीरियसली ले लिया है। 100 घंटे पहले जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आज के खिलाड़ी? देखिए, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है खातून, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और आप अगर तमीज के दायरे में रहकर सवाल करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये कहेंगी धुलाई होगी, स्वच्छता होगी, ये होगी, मुझसे क्रिकेट के सवाल करें, मैं क्रिकेट के जवाब दूंगा। अगर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझसे क्रिकेट के सवाल करें, स्वच्छता हो रही है, धुलाई हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही लैंग्वेज आपकी, प्लीज। अगर मुझसे क्रिकेट सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। नाराज मत होइए, जिस तरीके से पिछला मुकाबला हमने देखा था पूरी तरीके से वन साइडेड हो गया था, आप ये बताइए क्या तैयारी के साथ इस बार आ रही है पाकिस्तान की टीम भारत का सामना करने के लिए? आप मुझसे, हाँ जी जी जी, आप ये सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। आपके सामने कोई हरियाणा क्लब क्रिकेटर नहीं बैठा हुआ जिसे आप वो ऐसी बात करेंगी, धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है, मार देंगे, बिछाड़ देंगे, ऐसी बातें प्लीज मत करिए। मुझसे क्रिकेट सवाल करिए, आपको समझिए रहा कि आगे आपके सामने बैठा कौन हुआ। तो पाकिस्तान की तैयारी जहां तक है, हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान चेंजेस लेके आएगा। चेंजेस में शायद ये होगा कि शायद हारिस वेल को लाएं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये भी न्यूज है कि आमिर शायद वापस लेके, जो गौतम गंभीर भी कह रहे थे पिछली दफा कि शायद आमिर को लाएं, और आमिर शायद आ जाएं, और शाहीन शाह अफरीदी होंगे। लेकिन हमें जो 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 एक चाहिए थी कि आसिफ की जगह हम हारिस वेल को लाना चाहते हैं, शायद अभी टीम मैनेजमेंट वो सोचे, लेकिन अभी तक ये फैसला हुआ नहीं। लेकिन टीम 11 देख के आपको बता देंगे।